नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 720 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान देखने वाले हैं, जो हमारा वेस्ट फेसिंग का होने वाला है। पश्चिम दिशा का ये घर होने वाला है और पश्चिम दिशा के वास्तु के हिसाब से हम लोग 720 स्क्वायर फीट में हाउस प्लान बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर जो होने वाला है उसमें पार्किंग के साथ 1 BHK और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा 2 1 BHK का फ्लैट बना हुआ है, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है, तो हम लोग चलिए शुरू करेंगे। एक एक करके देख सकते हैं, हमारा ये 720 स्क्वायर फीट का प्लान है। ये दिशा हमारा वेस्ट पड़ जाता है, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया नॉर्थ हो गया, और पीछे की तरफ हमारा क्या हो गया ईस्ट हो गया। ठीक है, फ्रंट हमारा इसमें 15 फीट 4 इंच का फ्रंट है और डेप्थ हमारा 47 फीट 2 इंच का हमारा डेप्थ बनता है। तो टोटल 720 स्क्वायर फीट का ये प्लान है, 720 स्क्वायर फीट का। ठीक है, यहां से एंट्री लेते हैं, मेन गेट का एंट्री यहां से लिए। ये हमारा 14 फीट 6 इंच इस डायरेक्शन में और 19 फीट 3 इंच इस डायरेक्शन में, तो ये पार्किंग आ जाता है। इसमें कार प्लस बाइक पार्किंग आ गया है। ठीक है, एक कार और 5 बाइक आराम से इस पार्किंग में आ सकता है। उसके बाद यहां से एंट्री लेंगे, उसके बाद हमारा सीढ़ी एरिया आ जाता है। देख सकते हैं 3 फीट 3 इंच का एक चौड़ाई सीढ़ी का, बीच में 6 इंच का गैप है और दूसरा 3 फीट 3 इंच का है, और लैंडिंग जो बनाए हुए वो भी 3 फीट 3 इंच का है। इस तरीके से हम लोग सीढ़ी डिजाइन किए हुए हैं। इसमें जो राइजर है आर है, जो ऊंचाई कहते हैं, वो हमारा 6 इंच का रहने वाला है, और ट्रेड ठीक है वो हमारा 10 इंच का रहने वाला है। ठीक है, 10 इंच का रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टेयर डिजाइन किए हुए। अगर इस तरह का आपको प्लान डिजाइन करवाना अपने घर के लिए, तो हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 1913170550। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से कांटेक्ट करके आप अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं। यहां से 3 फीट 9 इंच का आपको एंट्री मिल जाता है, यहां से एंट्री लेंगे। एक हमारा 9 बाय 11 का ये बेडरूम आ जाता है, 9 फीट इस डायरेक्शन में और 11 फीट इस डायरेक्शन में, ये हमारा बेडरूम आ जाता है। उसके बाद 5 फीट 1 इंच बाय 9 फीट का ये हमारा किचन आ जाता है। ये देखिए ईस्ट एंड साउथ अग्नि कोना हो जाता है, वहां पे हमारा किचन प्लेस है, और ईस्ट एंड नॉर्थ कॉर्नर पे हमारा बेडरूम आ जाता है। पीछे हम लोगों ने 2 फीट का डक्ट छोड़ा हुआ है, जिससे आपको यहां पे रोशनी आएगा और इस रूम में भी खिड़की से रोशनी आएगा। ठीक है, किचन और बाथरूम में अवश्य वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करना चाहिए। यहां पर ये 3 फीट 5 इंच का ये जगह गली बनता है, पैसेज होगा। ठीक है, हॉल इसमें नहीं बनेगा 1 BHK अगर 2 फ्लैट बनाते हैं। उसके बाद 7.5 फीट बाय 4 फीट का आपको क्या मिल जाता है, यहां पे बाथरूम मिल जाता है। अगर इस स्पेस को अगर छोटा करना चाहते हैं, जैसे कि इस स्पेस को और बढ़ाना चाहते हैं बाथरूम को, तो 8 फीट भी 6 इंच बढ़ा के 8 फीट भी कर सकते हैं। 1.5 फीट का यहां पे भी देखिए पाइप के लिए हम लोगों ने OTS दिया हुआ है। तो इस तरह का हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ठीक है, सिमिलरली पीछे का एरिया जैसे हमारा नीचे था, एज इट इज हमारा यहां से देखिए एंट्रेंस है, एज इट इज हमारा ऊपर है, यहां से एंट्री करेंगे। जो हमारा नीचे पार्किंग था सेम उसके ऊपर हम 1 BHK किस तरह फ्लैट बनाए हुए, ये आपको दिखा रहा हूं। देखिए 10 फीट 1 इंच बाय 11 फीट का ये बेडरूम बन जाता है, इसका एक बेडरूम, और बाथरूम हमारा कहां बनता है नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर पे। वायु कोना जो होता है नॉर्थ एंड वेस्ट एक ही कॉर्नर होता है जहां बाथरूम हम बना सकते हैं। 4 फीट बाय 11 फीट का ये हमारा बाथरूम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां इस फ्लैट का देखिएगा, तो यही आपका साउथ एंड ईस्ट कॉर्नर बनने वाला है। तो अग्नि कोना इस फ्लैट के लिए यही होगा, तो 6 बाय 6 इस डायरेक्शन में और 7 फीट 10 इंच इस डायरेक्शन में ये हमारा किचन बन जाता है, और एक 8 फीट 1 इंच बाय 7 फीट 10 इंच का इसमें हॉल भी आ जाता है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर का 1 BHK दोनों साइड का प्लानिंग किया हुआ है। टोटल 720 स्क्वायर फीट एरिया है। इसी में आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हमारा 1 BHK प्लस कार पार्किंग बाइक पार्किंग है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे 2 1 BHK का फ्लैट बना हुआ है। पीछे की तरफ हमारा 2 डक्ट देना पड़ रहा है, आगे की तरफ हमें सारा चीज आगे की तरफ फेसिंग में मिल जाए रोड फेसिंग में, तो हमें डक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। किचन में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि किचन में हमारा यहाँ पे जगह ही नहीं है कि हम लोग डक्ट छोड़ पाए, एरिया ही हमको उतना नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में यही तक करेंगे। अगर आपको अपना घर का नक्शा बनाना था, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए 1913170550। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से कांटेक्ट करके आप अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप ब्लूप्रिंट होम लोन लेने के लिए ब्लूप्रिंट भी बनवा सकते हैं। बिहार यूपी कहीं से भी हैं, आप होम लोन लेने के लिए ब्लूप्रिंट भी हमारे टीम से कांटेक्ट करके बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक करेंगे, आशा करूंगा आप सभी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसी तरह का वीडियो मैं लगातार आप सभी के लिए लाता रहता हूं, हेल्पफुल वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।